बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर वाराणसी से है। श्रृंगार गौरी मामले पर आज फिर सुनवाई। मामले में केस की पोषणीयता पर चल रही है सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलीलें कल भी नहीं हुई पूरी। आज आधे घंटे का दिया जाएगा समय। आज 11:30 बजे फिर होगी सुनवाई। आधे घंटे तक मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी दलीलें। श्रृंगार गौरी मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। मामले में केस की पोषणीयता पर चल रही है सुनवाई। आज 11:30 बजे फिर होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। आधे घंटे तक मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी दलीलें। आपको बता दें कि कल भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी, पर आज फिर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। श्रृंगार गौरी मामले पर आज फिर होगी सुनवाई। मामले में केस की पोषणीयता पर चल रही है सुनवाई। वाराणसी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रृंगार गौरी मामले पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लंबे समय से सुनवाई चल रही है और आज भी ये सुनवाई होगी, जहां मामले में केस की पोषणीयता पर ये सुनवाई चल रही है। इस पर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। आपको बता दें कि कल भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी, पर अधूरी होने के चलते आज फिर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा कोर्ट के सामने। इस पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है संवाददाता सोनाली पटवा। सोनाली, श्रृंगार गौरी मामले को लेकर इतने दिन से सुनवाई चल रही है और आज फिर ये सुनवाई हो रही है। इसको लेकर सुनवाई होगी और कई अहम बातें सामने आएंगी, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी केस को लेकर आज 11:30 बजे जिला जज AK विश्वेश की अदालत में सुनवाई हो रही है। करीब 11:30 बजे जो ये सुनवाई है, कुछ ही वक्त में शुरुआत हो जाएगी। हिंदू पक्ष अधिवक्ता और मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता के साथ पूरे 34 लोग कोर्ट परिसर के अंदर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि ये सुनवाई रोजाना 2 बजे शुरुआत होती है, पर समय के अभाव को देखते हुए जो ये आज की सुनवाई है वो 11:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि आज भी मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनको आधे घंटे का समय मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से सुनवाई लगातार चलती आ रही है। तीसरे दिन है सुनवाई का, तो 2 दिनों से जो मुस्लिम अधिवक्ता हैं वो अपनी जो दलीलें हैं वो रख रहे हैं। आज जाके हिंदू पर जो अधिवक्ता है उनको भी अपनी दलीलें रखने का मौका मिलेगा। आपको ये बता दें कि आधे घंटे का समय आज मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है उनको दिया जाएगा, जो भी वो वक्फ एक्ट को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। कल भी उन्होंने वक्फ एक्ट को लेकर बातें रखी थी। उनका साफ तौर पर ये बोलना है कि जो केस चल रहा है श्रृंगार गौरी केस वो चलने योग्य नहीं है। 1991 एक्ट को भी लेकर उन्होंने जो दलीलें रख रहे हैं वो सारी चीजें, और ये कह रहे हैं वक्फ एक्ट को भी लेकर वो अपनी दलीलें कर उन्होंने रखा है। जो नए वकील समीम अहमद जी हैं वो नियुक्त किए गए हैं मुस्लिम अधिवक्ताओं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अभिनय नाथ यादव, कुछ दिन पहले उनके निधन हो जाने के बाद जो समीम अहमद जी को एज अ वकील नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्होंने कल वक्त 2 दिन से लगातार जो सुनवाई हो रही है उसमें वक्त एक्ट को लेकर रख रहे हैं। और उनका यही कहना है कि वक्त जो ज्ञानवापी परिसर है वो वक्त संपत्ति है, क्योंकि औरंगजेब के समय जब औरंगजेब की बादशाहत थी उस वक्त ही ये वक्त की संपत्ति की गई थी। तो जिसे लेकर हिंदू अधिवक्ताओं से हमने जब बात की तो उनका यही कहना है कि यह सिर्फ जो समीम अहमद जी आए नए अधिवक्ता आए हैं या केस उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने हिंदू अधिवक्ताओं का साफ तौर पर यही कहना है, जो हमने जजमेंट आर्ग्यूमेंट पेश किया है कोर्ट परिसर के सामने, तो वो बाकी जितने सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट है और चीजों को लेकर वो वक्त चीजें नहीं मैटर करती है। तो जिसे लेकर आज भी जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है वो अपनी आखिरी दलीलें रखने वाले हैं, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आज आखिरी जो दलीलें बच गई है वक्त एक्ट को लेकर वो रखा जाएगा, और क्या आज फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। जी, अगर इस सुनवाई को बोला जाए तो श्रृंगार गौरी मामले पर जो सुनवाई है वो लंबे समय से चल रही है, अभी लगातार 3 दिन से ये सुनवाई जारी है और आज फिर सुनवाई हो रही है, तो आज क्या इस सुनवाई पर पूर्ण रूप से फैसला आ सकता है?
अब जी बेशक ये कह सकते हैं क्योंकि फैसला आज सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि मुस्लिम अधिवक्ता जो है वो 1990 एक्ट को लेकर अपनी सारी दलीलें रख चुके हैं, वहीं हिंदू पक्ष अधिवक्ता है वो वर्सिप एक्ट के तहत जो भी उनको खिलाफ दलीलें रखने था वो भी रखा है उन्होंने, विश्वनाथ एक्ट को लेकर उन्होंने रखा है, वक्फ एक्ट को लेकर सारी जितने आर्गुमेंट है उन्होंने दाखिल कर दी है। आज जो भी होगा कुछ जो कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं हम इस हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वो रखेंगे अपनी दलीलें, उसके बाद आज क्या कुछ समय आएगा वो 2 बजे के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ फैसला निकल जाता है, पर इतना ये हो सकता है कि आज जो फैसला है वो सुरक्षित रखा जा सकता है और कुछ ही वक्त कुछ ही समय में ये भी पता चल जाएगा कि यह जो एक्ट है मुस्लिम जो केस चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का वो चलने योग्य है या नहीं है। जी जी अगर इस ज्ञानव्यापी मामले को देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब लंबे समय से चल रहा है, इसको देख के कुछ खतरा भी क्योंकि किस तरीके के फर्क है, तो ये है कि इस पर किस तरह की मतलब सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम बढ़ा कर किया गया है? आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कोर्ट परिसर के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जो हिंदू अधिवक्ता और मुस्लिम अधिवक्ता है उनके साथ साथ भी जो गार्ड है पुलिस गार्ड उनको रखा गया कि किसी भी तरह से कोई भी उन लोगों को परेशानियां ना हो या कोई खलल आ सके, क्योंकि और रही बात वाराणसी की तो यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं और हिंदू पक्ष के लोग हैं आपस में समन्वय ही बनाते दिख रहे हैं, ना कि कोई ऐसा विवाद दिख रहा, क्योंकि काशी है तो गंगा जमुने का तहजीब माना जाता है, तो ऐसा कोई यहाँ पे विवाद नजर नहीं आ रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता इंतजाम किया गया है कोर्ट परिसर के पास। जी ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सोनाली। तो आपको बता दें कि वाराणसी से बड़ी खबर है जहां पर श्रृंगार गौरी मामले पर आज फिर सुनवाई होने वाली है। इस मामले में केस की पूछनीयता पर यह सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें कल भी नहीं हुई पूरी, जिसको लेकर आज फिर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। आज 11:30 बजे फिर होगी सुनवाई।